हाय फ्रेंड्स, मैं बालमुकुंद पांडे आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको आपसे बेसब्री से इंतजार था कि ट्रांसफ़र फ़ी क्यों लेते हैं, ट्रांसफ़र फ़ी के सामने रिसिप्ट मिलना चाहिए, ट्रांसफ़र फ़ी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिटी वाइज ट्रांसफ़र फ़ी का क्या रेट चल रहा है। ये सारे जुड़े हुए सवाल आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात दोस्तों, मेरे वीडियो आप लोग प्यार से दिखते हैं, लेकिन इसमें से 90% ऑफ द जो आप देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ट्रांसफ़र फी क्या होती है। ट्रांसफ़र फी जब भी कोई मकान बेचता है तो जो नया ऑनर है उसको ट्रांसफ़र फी देना पड़ता है। किस लिए? अपना सोसाइटी में नाम रजिस्टर करवाने के लिए, शेयर सर्टिफिकेट के नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए। क्यों लिया जाता है? दिस इज़ द वन ऑफ द एडिशनल रेवेन्यू ऑफ द सोसाइटी कमिटी, जो आपको सोसाइटी या तो फ्लैट को मेंटेन करने, कॉमन मेंटेनेंस करने के लिए एक फंड है। क्योंकि नॉर्मल आप रेगुलर मेंटेनेंस के साथ साथ आपके कुछ बड़े खर्चे भी फ्यूचर में आने हैं, जैसे कलर काम करना, प्लम्बिंग काम करवाना, सिविल वर्क करवाना, ऐसे खर्चे के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू हो सकती है। ये ट्रांसफ़र फी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ट्रांसफ़र फी डिपेंड्स अपॉन द सिटी, डिपेंड्स अपॉन द सिटी में विद इन एरिया, उसके ऊपर डिपेंड है। और कई बार एक ही एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी ट्रांसफ़र फी होती है। फॉर एग्जाम्पल, 25K इज अ नॉर्मल नॉमिनल होती है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन इसके अलावा अभी कुछ एरिया में, कुछ सिटीज़ में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी लिया जाता है ट्रांसफ़र फी। कुछ जगह पे अगर फ्लैट सेम सेम साइज़ के हैं तो लमसम 50K या तो 75,000, 90,000, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ तक के सिटी में, इवन 5 लाख रुपीज तक की ट्रांसफर भी होती है। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फ्लैट, डिपेंड्स अपॉन द एरिया, डिपेंड्स अपॉन द हाउ द वीआईपी एरिया, या तो कैसे कैसे उसकी एमिनिटीज है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफर फी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके जो नाम सोसाइटी के अंदर जो है शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम ट्रांसफर नहीं होता है। तो बाकायदा इवन दो आपने सेल डीड किया हुआ है, फिर भी यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो आपको उसी टाइम आपको वोटिंग करने का भी हक नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपने अगर सेल डीड कर दिया है, यू आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, बट आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका शेयर सर्टिफिकेट में भी ट्रांसफ़र करना इतना ही ज़रूरी है जितना आपने आपके रजिस्ट्रेशन में नाम ट्रांसफ़र किया है। शेयर सर्टिफिकेट इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट कि जब भी आपको मकान बेचना है या तो आपको बैंक में होम लोन लेनी है, उसके ऊपर आपकी ओनरशिप या तो आपके साथ जुड़े उसके ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपने ये शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र नहीं किया तो आपको सोसाइटी नो ड्यू सर्टिफिकेट भी कई बार नहीं देती है दोस्तों। और एक बात, ये जो ट्रांसफ़र भी होती है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसके ऊपर आपको रिसिप्ट भी बाकायदा मिलती है। और जो ट्रांसफ़र फी के नाम जो लेते हैं वो कायदा कायदा के लिए भी मीन्स आपको रिसिप्ट मिलती है, तो आपको उसमें से कोई हानि नहीं होगी। और दूसरा कि अगर आपको ट्रांसफ़र फी के अलावा एडिशनल कोई अमाउंट मांगते हैं या तो उसको कैश में मांगते हैं कि जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती है, देन इट इज़ अ इलीगल थिंग्स। अदरवाइज आपको रिसिप्ट मिलती है जो फंड आपके सोसाइटी मेंटेनेंस और उसके लिए कॉमन खर्चे के लिए यूटिलाइज होता है। तो दोस्तों, आपके ट्रांसफ़र फी रिलेटेड आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आपको टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।